Students, now we are going to again perform multiple linear regression with forward or backward method. Before performing this method, we have studied two methods, stepwise and enter method. Let's see how do we do multiple linear regression with a backward or forward method. हम मल्टीपल लीनियर एग्रेशन ही दोबारा करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम मेथड चेंज करेंगे स्टेप वाइज से हम चले जाएंगे फॉरवर्ड मेथड के ऊपर. बाकी हमारी वही चीज़ें रहेंगी, हमारे वेरिएबल्स भी वही हैं, बस हमने मेथड चेंज कर दिया है. ऑप्शंस भी वही टिक हुई हुई हैं. ओके में जाएंगे, ओके में जाएंगे तो हमें जो ये देखें पाँच फिर इक्वेशंस बनी है हमारे पास और पांचों इक्वेशन में रिजल्ट्स आपके पास वही है. और नीचे अगर देखें तो अनोवा भी वही है सारा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वेरिएबल्स वही है. और यहाँ पे हमारे पास पांच जो है कोफिशेंट्स के मॉडल्स भी बन के आ गए. तो इसमें जो है बैकवर्ड ये जो आपका फॉरवर्ड मेथड है और जो स्टेप वाइज मेथड है इसमें फिर फ़र्क क्या है? ये तो तकरीबन उसी तरह का ही एनालिसिस हो के आया है जैसा कि हमने स्टेप वाइज में किया था. इस दोनों में जो है वो थ्योरेटिकली एक डिफरेंस है. स्टेप वाइज मेथड हम तब ऑप्ट करते हैं जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कौन सा वेरिएबल मेजर प्रेडिक्टर है और कौन सा जो है वेरिएबल जो है वो लीस्ट प्रिडिक्टर है. इसमें जो है फॉरवर्ड मेथड में हमें पता होता है थेरेटिकली हम इस चीज़ पे क्लियर होते हैं कि हमारा नंबर वन वेरिएबल कौन सा है और नंबर फाइव वेरिएबल कौन सा है, यानी प्रिडिक्टर कौन सा है और आपका जो है लीस्ट प्रिडिक्टर कौन सा है. अगर अब हम बैकवर्ड से फिर दोबारा रिग्रेशन में जाते हैं और फॉरवर्ड से बैकवर्ड पर आए, ओके करें, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी तीन इक्वेशंस बनी है, 1, 2 एंड 3. उसने जो है जो लीस्ट प्रेडिक्टेड थे वो उनको मॉडल से निकाल दिया. उसके नज़दीक ये तीन ही हैं जो एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को और उसने तीन का ही अनोवा भी चेक किया है और तीन का ही उसने जो है ब्लॉक्स बना दिए कोफिशिएंट्स के, जिसमें उसने आपको दिखा दिया है कि भी ये जो दोनों हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं. तो इस तरह से हम अपने बेस्ड ऑन आवर थ्योरेटिकल स्टांसेस और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जो है देख सकते हैं कि हमें कौन सा मेथड सूट करता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में. अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करते हुए अब मैं आपको एक दफ़ा फिर लेके चलता हूँ उसके ऊपर. हमारे पास एक और चीज़ है कि हम ब्लॉक्स बना सकते हैं वेरिएबल्स के. जैसे ये तीनों ये वेरिएबल्स जो पांचों थे ये मोटिवेशन से रिलेटेड थे. अब मैं नेक्स्ट एक ब्लॉक बनाता हूँ और उसमें ये मैं कहता हूँ कि मैंने देखना है अपने वेरिएबल्स जो यूज़ से रिलेटेड हैं, फेसबुक के यूज़ के जो हमने इंटेंसिटी को देखा हुआ है उसको हम ले लेते हैं. तो उसमें हम फेसबुक इंटेंसिटी of use and Facebook relationship maintenance behavior, इसके साथ हम number of Facebook account, duration of Facebook accounts, average time spent on Facebook account, ये add कर लेते हैं. और third block में हम add कर लेते हैं अपनी age, GPA, ये इसमें ऐड कर लेते हैं. और बाकी हम एंटर मेथड के साथ पहले देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं. बाकी वही रहेंगी हमारी ऑप्शंस. ओके किया क्योंकि हमने वेरिएबल्स न्यू ऐड किए हैं तो हमने ये ठीक है. नॉर्मेलिटी प्लॉट आपका ठीक है, स्कैटर प्लॉट भी ठीक है आपका होमोसेडेसिटी के बारे में. और अगर यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर भी कोई बड़ी कोरिलेशन नज़र नहीं आ रही बिटवीन आईवीज. आगे चलते हैं.
अब यहाँ पे ये देखें मॉडल 1, 2, 3। अब उसने क्या किया है कि आपको बताया है कि अभी पहला जो है प्रिडिक्टर्स कौन से हैं, और दूसरे प्रिडिक्टर्स कौन से हैं, और तीसरे प्रिडिक्टर्स कौन से। यानी अब उसने जैसे कि हमने 3 ब्लॉक्स उसको कहा था कि 3 ब्लॉक्स में डेटा हमें आए, तो 3 हमारे पास इक्वेशंस आ गई। आर स्क्वेयर हमारा 17.7% है, दूसरे में 17.8 हुआ, और फिर तीसरे में ये जो 17.7% हो गया। यदि वेरिएबल्स तो ऐड हुए हैं, मगर जो है एक्चुअली जो हमारे फर्स्ट मॉडल के जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं का जो बीटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीसरे लेवल के जो वेरिएबल्स एडिशन हुए हैं उनमें। और ये थ्रेटिकली ठीक है क्योंकि नोवा जो है सबका सिग्निफिकेंट है। इट मींस दैट जो जो थर्ड में ऐड हुए ये एक्चुअली जो है फर्स्ट के वेरिएबल के साथ उनका कोरिलेशन था, तो वो उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे देखें मॉडल 1 में हमें पता चलता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं हमारे वो इनसिग्निफिकेंट है, और मॉडल 2 में भी हमें पता चलता है हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स इनसिग्निफिकेंट हैं। सेम इज द केस विद मॉडल 3 एज वेल। अब क्योंकि हमने एंटर मेथड ऑप्ट किया था, इसमें वो एक्सक्लूड नहीं करता जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल होते हैं, तो इस वजह से वो इसी तरह से आएगा। अब अगर हम इसी को अगर ले लें लीनियर जो हमने 3 स्टेप वाइज ले लें, तो स्टेप वाइज में ओके करेंगे तो आपके पास ये देखें 4 इक्वेशंस आ गई, और इन इक्वेशंस के अनोवास भी आ गए। और यहां पे अगर आप देखें तो उसके कॉफिशेंट्स में जो इनसिग्निफिकेंट है वो भी आपको पता चल रही है। तो बेसिकली इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा डिजाइन कैसे यूज करना है, क्योंकि ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, आपकी थ्योरी ड्रिवन होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। उसमें आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा वेरिएबल जो है वो एनालिसिस रिग्रेशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में पहले इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा एनालिसिस जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो है वो वेरिएबल बाद में इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, थ्योरी देखनी पड़ती है, प्रीवियस स्टडीज़ देखनी पड़ती हैं, तभी आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप ए प्रायोरी डिज़ाइन के साथ जाएं और उसके अकॉर्डिंगली अपना एनालिसिस करें।